सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं अभी गंदा हो चुका हूँ क्योंकि मैं अभी धान कटवाने गया था कुछ समय पहले, 5 मिनट पहले। तो अभी कुछ और काम बचा है, उसको करवाने के बाद मैं जाऊँगा नहाने के लिए, उसके बाद मज़े करते रहेंगे। तो मैं अपना इस त्यौहार का हर एक वीडियो आप लोगों को दिखाता रहूँ, तो बने रहिए आप मेरे इस व्लॉग चैनल में। इस वीडियो को देखते रहिए आखिर तक, बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही अनोखा वीडियो बनाने वाला हूँ मैं आज। तो बने रहिए इस वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। सो है दोस्तों, हम लोग अभी राखी पहनने के लिए तैयार हो गए और मैं अभी तक से नहाया नहीं हूँ क्योंकि मैं बाहर चला गया था काम के लिए। कोई दिक्कत नहीं है, राखी पहनने के बाद मैं चला जाऊंगा वीडियो चला जाऊंगा नहाने के लिए। तो चलते अभी राखी पहनने के लिए उधर ही। सो दोस्तों, तो अभी मेरा राखी वाला जो सिस्टम था वो अभी हुआ है। आप लोगों को वो वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि भूल ही गया था मैं, इस बार से दिखाऊंगा। ये अभी राखी पहना हूँ, भूल गया था यार, इसलिए ना उस वीडियो को नहीं दिखा पाया, बट नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा, वो भी अच्छे से। तो देखिए था तो दोस्तों, अपन का जो राखी का कार्यक्रम था वो तो अभी हो गया, और कुछ कुछ हमारे जो बची हैं ना वो दीदी आती होंगी, वो लोग भी पहना देंगे, उसका बाद आज का हो जाएगा। फिर आपको 1 तारीख को ये राखी वाला व्लॉग डल जाएगा, तो आप लोग उसे देख लेना। और ऐसा कुछ नहीं है बताने के लिए, अभी मैं नहाया नहीं हूँ क्योंकि थोड़ा सा काम बनने मतलब ना चला गया था काम के लिए। तो सीधा बोल दी दीदी कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, बैठ जा, राखी के बाद नहाने चले जाना बोल के। तो बैठ ही गया सीधा वैसे ही, और जाऊंगा नहाने अब थोड़े टाइम में ही जाऊंगा क्योंकि अब अभी धूप है ना, इसलिए तो टाइम में जाऊंगा। भैया लोग बैठे हैं, ये सूरज भैया, सिंह भैया, निसार भाई, दया दी, फूफा, बड़े भैया उधर हैं, मम्मी जी इधर हैं, मम्मी। तो दोस्तों, कुछ समय बाद हमारे बुआ लोग आ जाएंगे, फिर उनका भी 1-2 क्लिप लेंगे और आप लोग अच्छे से देखेगा, वो लोग बहुत ही अच्छे हैं। तो हमारी मंझली बुआ तो नहीं आए हैं, बट फूफा जी आए हैं और राखी छोड़ दिए हैं, राखी पहन लिए हैं उनका भी। तो हमारी जो मंझली बुआ की बेटी है ना वो भी नहीं आए हैं, बस मंझली बुआ की बड़ी बेटी जो रायपुर में रहती उसको ना भैया जी हमारे बड़े भैया लेके आए हैं और राखी बांधी हैं। सो दोस्तों, तो दीदी लोग आ गए हैं, बट मैं नहा के आ जाता हूँ, उसके बाद आप सभी को उनसे मिलवाता हूँ, बातचीत करते हैं एक ही साथ। तो फिर 5 मिनट में आ जाऊँ, 5 नहीं आधे घंटे में मैं आ जाऊँगा नहा के, उसके बाद बातचीत करते हैं अच्छे से। तो अभी के लिए बाय। सो गाइस, तो फाइनली मैं नहा के आ चुका हूँ, मैंने कपड़ा वगैरह पहन भी लिया है, भैया नया जींस लाए थे मेरे लिए उसी को पहन ली हूँ आज। तो अभी वहीं पास बैठे हैं सभी लोग, तो उधर ही बात करते हैं, और बात करते करते आप लोगों को बुआ लोग मेरे नहा के आते तक वो लोग बाहर अपने भाइयों को राखी बांधने चले गए, बाहर मतलब किसी और घर में, अपने भाइयों के घर में। तो राखी पहन के जब आएंगे ना, उनसे बातचीत करते हैं अच्छे से, मज़े करते हैं, और आप लोग बने रहे मेरे इस वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगे मेरा ये व्लॉग तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तब तक लिए टाटा। टोकरी माता के ये हमारी बड़ी बुआ दवाई छींचे है, यूं तुम्हारा खाई तुम्हारी खाई खा लेते हैं, हाय हाय बाय।
सब नमाडारी छे। ये हमारी छोटी बुआ, ये उनकी बड़ी बेटी, ये उनकी छोटी बेटी। तो दोस्तों ये हमारे दादी जी का घर है, यहीं पे सभी बैठे हैं और ये हमारे दो बड़े भैया घूमने के लिए आए हैं। तिली के लाडू से खा दो, चलो ना हमारे वीडियो बना को। अभी हम लोग तिली के लाडू खा रहे हैं। सो दोस्तों, तो मेरे दीदी लोगों से बातचीत हो गया, आप लोगों को भी इंट्रोड्यूस करवा दिया कि कौन छोटी दी है कौन बड़ी दी है। और मंजली दी बस नहीं आई है, तो वो कभी आएंगे ना तो उसको भी मैं किसी व्लॉग में आपसे बातचीत करवा दूंगा। और अभी तो व्लॉग बंद नहीं करूंगा, बट कहीं चलते हैं बातचीत करने, उसके बाद व्लॉग को बंद, उसके बाद करेंगे व्लॉग को बंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आप लोगों को नए टॉपिक नए एडवेंचर के साथ लेके आऊँगा। और ये मेरी छोटी सी बहन है, जो कि ज़्यादा दूर में नहीं रहती, यहीं 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के बाद ही रहती हैं। तो हम चलेंगे किसी दिन इनके इन लोगों के गांव, तो आप लोगों को जरूर मिलूंगा अपने छोटे भाई स्वयं से। वो बहुत ही अच्छा है, स्मार्ट है, बढ़िया है, अभी 11th क्लास में है, पढ़ाई कर रहा है। तो चलते हैं किसी बाहर से बात करते हैं, उसके बाद इस वीडियो को करेंगे दी एंड। तो तब तक लिए टाटा। तो दोस्तों मैं अभी घूमने आया हूँ इधर ही, अच्छा लग रहा है, इधर का प्लेस बहुत ही अच्छा है, मरघटा साइड, तो बहुत ही बेटर फील हो रहा है। बट सच बताऊँ ना तो आज के दिन बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत ही अच्छा था। हमारे सभी दीदी लोग, बाकी एक दीदी को छोड़कर बाकी सभी दीदी लोग आए, उनसे बातचीत हुआ, फूफा लोग आए, दीदी बहन जो भी है मेरी रिलेशन की वो सभी आए। तो ऐसा होता नहीं है कि आपके घर सभी मतलब एक ही साथ आ जाए, तो एक अलग सी ऊर्जा आपके मतलब अपने से पैदा होती है। ये चीज़ मेरे को अच्छा लगा कि सभी लोग आए, हंसी मजाक किया, बातचीत करे। और अभी पानी गिर रहा है दोस्तों, तो घर की तरफ चलते हैं। सो दोस्तों, तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे दी एंड, क्योंकि पानी वानी गिर रहा है दोस्त, तो मैं भी फेंक जाऊँगा और मोबाइल भी मतलब पानी वानी पड़ने से ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पर दी एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट एंड साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक लिए टाटा।